मेरी बेटी ससुराल में जाके चूल्हे पे रोटी बनाना भी सीख गई। बेटी को तो वही बात है ना कि जो कुछ काम दे दे वही करने में माहिर हो जाए। तो देख लो जी, इसने छोटी सी क्लिप भेजी थी मेरे पास मम्मी कि मैं आज मैंने चूल्हे पे रोटी बनाई और इतनी खुश हो रही थी जिसकी कोई हद नहीं। तो मैंने इसने ये वीडियो बना के भेजी तो मैंने इस ब्लॉग में ऐड कर दी कि आप सब लोगों को भी दिखाऊँ। और लकड़ियों से भी नहीं, गोश्या से उपड़ों से रोटी बना रही है, देख लो। तो बेटी हर काम में माहिर हो है भाई। हेलो जी, राम राम जी, नमस्ते लाइव में आप सभी को स्वागत है। विशाल क्या कर रहा है तू अंदर गर्मी में? तो जी आज का मौसम देख लो, पहले तो मौसम खतरनाक हो रहा है। ऐसे दिखेगा और उधर मैं चला कर रही हूँ छुट्टी बाथरूम में नहाऊंगी मैं। आज है अमावस्या और रसोई मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है, सफाई कर दी रसोई की और नहा के फिर चढ़ाऊंगी, फिर पानी दे आऊँगी आके फिर चाय बनाऊंगी। और ये हमारी पसंद थी सुबह सुबह सोने में लग रही थी या मेरी कमाली हरी बैठ के सो एक बार आराम करेगी या फिर उसके बाद फिर काम कर ला रही है। हमारा सारा दिन ये पहले रखा हमने। हाय क्या कर रहा है, कहो कौन पढ़ रहा है? साधना वाली सीट तो ना पकड़ ली है, ऊपर ले पुणे में खड्डा करके छोटा का है खीर है खीर तो मीठी बनाया करे और क्या फीकी बनाया करे मारा के शुगर हो रहा है जो हम फीकी खीर खावांगे। तो चलो जी मेरी बाल्टी भर गई मैं आया हूँ। ले जी ये चढ़ा दिया मैंने खीर का दूध और इधर चढ़ा दी चाय और ये पानी डाल के आएगा विशाल पिपड़ में और यहाँ भिगो दिए एक मुट्ठी चावल। नहाने जा ना, नहाया तो तू भी नहाया सूख ली? हाँ देर ली नहाया एक बार जा रहा जा जल्दी जा। तेरा बाबू खड़ गया मोटर चलाने। जो लगाई थी नीचे आज के माउस की, ये माउस का बता रहे हैं कि 9 बजे बाद मुहूर्त था ज्योत बत्ती का कल के 9 बजे। आज से 9 बजे से कल के 9 बजे तक अमावस्या रहेगी। तो अब लगी है ज्योत, साहब ने लगा दी है ज्योत हमारी ना धोके और रोटी वगैरह दे आए हैं गाय ने और आप भी कर लो। पूजा किस कौन कौन अमावस्या निकालता है भाई बताना। और ये हमारे सभी फैमिली मेंबर घर में है तो फैमिली मेंबर ही हुए ना, ठीक है। तो चलो फिर अब पढ़ लेते हैं पानी, पानी आया हुआ है। और जी घर का काम से फ्री होके बस थोड़ा सा रह रहता है, उसके बाद ही मेरी मैडम का फोन आ गया था कि एक बार द्वारका चलना है मेरे साथ क्योंकि मेरी मैडम की फिर से तबीयत कमर में फिर से दिक्कत हो गई है। तो उसी का MRI कराने के लिए जाना था और नहीं तो लक्ष्मी थी और ना ही पूजा थी, इसलिए मेरे को जाना पड़ गया इनके साथ। तो ये अंदर कोई वीडियो नहीं बनवा रहे थे वो और ना ही कुछ ध्यान में आया, तो मैंने सोचा लो बाहर निकाल दिया तो अब वीडियो बना लेते हैं। तो अब हो गई है भाई हमारी जाने की तैयारी और ये एम्बुलेंस खड़ी है, ये ऐसी
और गर्मी की तो पूछो मत जी, रिकॉर्ड टूट रहा था गर्मी का, और मौसम भी ऐसा था ठंडा सा जैसे चढ़ा नहीं जाएगा, राम जी आओगे लेकिन आने की कोई संभावना नहीं थी। अच्छा अच्छा, तो जी अब इनको होगी और ही दिक्कत कि मैं इसके अंदर कैसे चढ़ूंगी। तो बोले कि मैडम आप चिंता मत करो, हम चढ़ा देंगे आपको, क्योंकि इनको हद से ज़्यादा दर्द हो रहा था कमर में। तो जब तक रिपोर्ट नहीं आती जब तक वही बात है ना कि डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए एमआरआई की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ करेंगे कमर का दर्द वगैरह का। तो जी चलो अब चलते हैं वापस हॉस्पिटल। बैठो, ओ हवा बड़ी ठंडी चल रही है, आगे हो जाओ। ले भाई लेट गया। पांच मिनट हो गई भाई गाड़ी में बैठे, गाड़ी वाला भी तो नहीं आया, अरे एक घंटा भीतर खा गए। आधा मरीज ने तो दूना बीमार और करके छोड़ा, अरे गर्मी मार दिए किम्मा कौन है। और वैसे तो बादल हो रखे हैं पर गर्मी है, बाहर मस्त हवा चल रही है, कितनी ठंडी देखो, दिखाऊं मस्त हवा चल रही, कितना राम जी बरसे है। ठंडी ना हवा गर्म है, अरे ठंडी हवा है बाहर की, बाहर से ना आए मैंने वो बाहर तो फिर तक महसूस ना करी, ऐसे में से आया जब लग रही है तो। अच्छा हमारा शरीर ठंडा हो रहा है। चलो भाई मान ले हमारा शरीर ठंडा हो रहा है तो इस हमारी मारे ठंडी हवा लग गए। तो ये सारा पसीना ठंड का ही सारी काट देंगे ये गाड़ी में बैठा के, पसीना रह के दे रहा है क्या रहा है पसीना के रे सारे शरीर में पसीना आने हो रहा है। अरे भाई अरे अकड़े गए, अच्छा एक बात हो इंजेक्शन का चल रहा है, एक छोटी सी बात है, अगर इस गाड़ी में देखिए भाई ड्राइवर भी नहीं है और हम दोनों हैं और आगे वो रोड भी चल रहा है, ठीक है अगर मान ले बाय द वे ये गाड़ी चल पड़े दाएं बाएं तक गाड़ी आ जाए तो के हो ओ जाओ ओम स्वाहा, ओम स्वाहा ना हो कती टूट जाए। आ तो गया बेल्ट ने ढीली करता, और जी सुबह के भूखे पिसाए के सब फटाफट रोटी वोटी बना के और मैं चली गई थी, कुछ खा के भी नहीं गई थी, तब भूख लगाई थी हम दोनों ने। तो यहाँ पे एक मिनट के लिए गाड़ी रुकवाई, तब लिया था हमने कुछ चुगा पानी अपना। तो